नागिन की टीआरपी आ चुकी है। ये टीआरपी उस हफ्ते की है जब तेजस्वी प्रकाश ने नागिन में, अगर मैं कहूं तो, जब पहली बार वो नजर आई थी। तो क्या नागिन लोगों का दिल जीत पाया? क्या लोगों को तेजस्वी का नागिन पसंद आया? इससे पहले की जो टीआरपी थी वो बसंत पंचमी स्पेशल की टीआरपी थी, लेकिन अब जो टीआरपी आई है वो उस एपिसोड की है जब तेजस्वी प्रकाश लोगों को नागिन में पहली बार देखने को मिली थी। तो इस टीआरपी की अगर मैं बात करूं तो कलर्स के शो पर हाईएस्ट टीआरपी के मामले में ये नंबर दो शो बन गया है। पहले नंबर पर है उडारिया 2.2, नागिन है 2.1 के साथ नंबर टू पर। तो कलर्स पर ये नंबर टू शो बना है टीआरपी के मामले में, और बिग बॉस से बेटर टीआरपी जो है वो आई है नागिन की। टॉप 20 शोज की बात की जाए तो टॉप 20 शोज में क्या नागिन टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 3 में अपनी जगह बना पाया है? तो नागिन टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में सफल हुआ है, लेकिन नंबर 1 पर है अनुपमा 3.5, 2 पर है गुम है किसी के प्यार में 2.8, ये है चाहते 2.7, इमली 2.6, ये रिश्ता क्या कहलाता है नंबर 5 पर, नंबर 6 पर कुमकुम भाग्य, नंबर 7 पर उडारियां और नंबर 8 पर है नागिन। तो टॉप 10 में ये शो जो है अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुका है। और जहां तक बात है कलर्स के शो की, तो ये नंबर 2 पर रहा है। उडारिया कलर्स का नंबर 1 शो रहा और तेजस्वी का नागिन, एकता का नागिन नंबर 2 पर। तो एक बात तो तय है कि तेजस्वी प्रकाश जो है कामयाब हुई है लोगों का दिल जीतने में।